हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन क्लासरूम डायरी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक डेटा विजुलाइजेशन पार्ट वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा विजुलाइजेशन यहाँ पर दो शब्द यूज हो रहे हैं डेटा एंड विजुअलाइजेशन तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि विजुअलाइजेशन का अर्थ क्या है विजुलाइजेशन का अर्थ है जो चीज विजुलाइज की जा सके देखी जा सके सामने जो हमारे सामने होगी वो हम समझ सकते हैं उसे इमेजिन कर सकते हैं तो विजुलाइजेशन का जो पर्पस है वह यही है कि जो डेटा है डेटा को हम नॉर्मल नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जगह इमेज के फॉर्म में कुछ फिगर के फॉर्म में ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उससे क्या होगा उससे हमें हेल्प मिलती है डेटा को इजिएस्ट वे में एनालाइज करने की समझने में ठीक तो पाइथन कई सारी ग्राफिकल लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है जिसमें से सीबीएसई के सिलेबस में मैट प्लॉट लिब इंक्लूडेड है तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे व्हाट इज मैट प्लॉट लिप तो मैट प्लॉट लिब पाइथन की एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम टू डी प्लॉट्स बना सकते हैं डबल डायमेंशन की प्लॉटिंग कर सकते हैं क्राफ्ट चार्ट्स बना सकते हैं और इसमें जो इसके थ्रू जो भी फिगर्स बनाते हैं जो चार्ट्स बनाते हैं उसकी क्वालिटी बिल्कुल पब्लिकेशन क्वालिटी होती है ठीक नाउ मैट प्लॉट लिब ही क्यों यूज कर रहे हैं हम क्योंकि मैट प्लॉट लिब एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कई सारे प्लेटफॉर्म पर इजीली वर्क करती है जैसे आई पाइथन जूपीटर आईडी और भी कई सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल किट्स हैं जिसमें ये जिस पर इजीली यूज़ हो सकती है सेकंड थिंग कि मैट प्लॉट लिप की हेल्प से कई सारी मुश्किल डेटा को कई सारे डिफ़िकल्ट डेटा को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये सब करने के लिए बहुत ही कम लाइन्स ऑफ कोड की ज़रूरत पड़ती है यानी मिनिमम लाइन ऑफ कोड में हम बड़े से बड़े डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और चार्ट साथ ही साथ ये जो भी हम ग्राफ इससे डिजाइन करेंगे डेवलप करेंगे थ्रू प्रोग्रामिंग उन ग्राफ्स के आउटपुट को हम एज अ फाइल स्टोर करके भी रख सकते हैं सेव करके भी रख सकते हैं मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दैट इज पाई प्लॉट हम इस मॉड्यूल का यूज करके ही सारे ग्राफ्स और चार्ट्स बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले तो स्टार्ट करने के पहले हम ये बता दें कि जब आप चार्ट्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं इस लाइब्रेरी का यूज करके तो इस लाइब्रेरी का आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना जरूरी है तो इंस्टॉल करने के लिए मैट प्लॉट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए भी सेम स्टेप्स हैं जिस तरीके से आपने नम इंस्टॉल किया था पंडास इंस्टॉल किया था और भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल की थी पिप इंस्टॉल और लाइब्रेरी नेम सिमिलर वे में हमें मैट प्लॉट लिप इंस्टॉल करना है सबसे पहले पाइथन शेल आपके कंप्यूटर में होना चाहिए फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वहां से आपको मूव करना है पाइथन के स्क्रिप्ट फोल्डर पर और स्क्रिप्ट फोल्डर में जाके आप टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिप और ये साथ में ध्यान रखना है कि जब ये कमांड आप रन कराएंगे तो नेट कनेक्शन होना जरूरी है क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली इंस्टॉल करता है आफ्टर इंस्टॉलेशन यू कैन ड्रॉ वेरियस kinds ऑफ प्लॉट्स ग्राफ्स ये हमने कुछ सैंपल लिए हुए यहाँ पर इससे भी कहीं ज्यादा टाइप्स के ग्राफ्स को आप बना सकते हैं यहाँ पर हमने लाइन चार्ट लिया हुआ है बार चार्ट लिया हुआ है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट लिया हुआ है पाई चार्ट लिया हुआ है इसके अलावा भी कई तरह के चार्ट्स हैं जो आप बना सकते हैं यहाँ एक सैंपल के लिए एक छोटा सा हमने बार ग्राफ ले लिया है जिसमें हम दो तीन चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं जैसे आप देख सकते हैं ये बार है ठीक यहां पर ये जो एक्सिस है ये हमारे दो एक्सिस पे डेटा रिप्रेजेंटेड है आप देख सकते हैं तो इस एक्सिस को क्या बोलेंगे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ठीक है ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस है और ये जो वर्टिकली आपको दिख रहा है ये वाई एक्सिस है तो ये जो वाई एक्सिस पे हमने जो लिखा हुआ है ये कहलाएगा वाई लेबल और जो एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है ये कहलाएगा एक्स लेबल ठीक और यहाँ पर ऊपर हमने एक हेडिंग दे रखी है जिसे हम कहेंगे टाइटल ऑफ द चार्ट इस चार्ट का टाइटल इसके अलावा भी और भी चीजें हम इसमें शो कर सकते हैं जो हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की लिस्ट है जिनकी हेल्प से हम ग्राफ्स को या चार्ट्स को ड्रॉ करते हैं इन फंक्शंस में भी हम जो मेन स्टार्टिंग के ये चार फंक्शंस हैं इनको आज हम यूज़ करेंगे बाकी के फंक्शंस को ये बार फंक्शन बार हॉरिजॉन्टल पाई ये सारे फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे तो देखते हैं सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं लाइन ग्राफ तो ये दो सैंपल हमने लाइन ग्राफ के लिए हुए हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि क्या लिया हुआ है यहाँ पर कुछ ईयर्स लिया हुआ है यहाँ पर इस ईयर के अकॉर्डिंग कुछ डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है लाइन के थ्रू इसका ग्राफ बताया जा रहा है ग्राफ ये रिप्रेजेंट हो रहा है इसी तरीके से दूसरा भी बनाया हुआ है इसमें कुछ नीचे हमने मंथ के साथ में ईयर लिया हुआ है और यहाँ डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर लेकिन दो फिगर को एक सिंगल फैमिली और एक कॉन्डो ये दो चीजों का डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है डेज ऑफ डेज ऑन मार्केट लिखा हुआ है तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले तो लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू यूज प्लॉट फंक्शन ठीक प्लॉट फंक्शन का पहले सेंटेक्स देखते हैं पहले हमने एक लिस्ट पास करी है जो एक्स एक्सिस के लिए है दूसरी लिस्ट पास की है वाई एक्सिस के लिए देन हमने पास किया है कलर यानी जब ये प्लॉटिंग होगी लाइन ग्राफ ड्रॉ होगा उसका कलर क्या होगा हमने लिखा है लाइट ब्लू आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं स्किप कर सकते हैं या अपने मनपसंद कलर भी दे सकते हैं और जरूरी नहीं है कि पूरा कलर लिखें आप सी इक्वल टू भी लिख सकते हैं वो भी वैलिड है साथ में लिखा है लाइन विथ यानी जो जिस लाइन से ये चार्ट ड्रॉ होगा उस लाइन की विथ आप कितनी देना चाहते हैं वो भी आप मैंशन कर सकते हैं यहाँ पर जैसे हमने बात की कि x और y हमें दो डेटा देना है लिस्ट के फॉर्म में यदि आप एक डेटा देते हैं मान लीजिए आपने केवल एक लिस्ट दी है ये वाली लिस्ट दी है आपने तो वो इस लिस्ट को y एक्सिस के लिए अज्यूम कर लेगा ठीक मान लीजिए आपका ये चार्ट है तो ये आपकी x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो यदि आपने एक ही लिस्ट दी है तो वो मान लेगा कि वो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है उसे और x एक्सिस को वो अज्यूम कर लेगा जीरो वन टू थ्री फोर इस तरीके से अज्यूम कर लेगा तो जितना डेटा आप देंगे मान लीजिए पांच एलिमेंट का डेटा आपने यहां y एक्सिस के लिए दिया है तो x एक्सिस के लिए भी पांच वो फिगर ले लेगा जीरो वन टू थ्री फोर तो यहां हम क्या कर रहे हैं प्लॉटिंग कर रहे हैं लाइन ग्राफ की फॉर रेट ऑफ राइस इन डिफरेंट इस डिफरेंट ईयर्स में राइस के कितने कितने रेट थे तो आप देख सकते हैं हमने दो डेटा लिया सबसे पहली बात तो इम्पोर्ट करना होगा मैट प्लॉट लिब और मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी के अंदर हमारा मॉड्यूल है प्लॉट तो ये डॉट यही बता रहा है कि पाए प्लॉट जो है मैट प्लॉट लिब के अंदर है इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट प्लॉट एज पी तो पी क्या है इसका एलियास नेम है एक दूसरा नाम हमने रख दिया है जिसकी वजह से हमें मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट बार बार नहीं लिखना पड़ेगा इस पूरी स्टेटमेंट की जगह पर हम पी को लिख सकते हैं ठीक तो ये हमने एक ईयर के लिए डेटा ले लिया रेट के लिए ले लिया ठीक है तो ये एक्स एक्सिस के लिए डेटा हो गया ये वाई एक्सिस के लिए डेटा हो गया सिंपल सा अब हमें क्या करना है पी डॉट पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैट प्लॉट लाइब्रेरी को मैट प्लॉट लिप के पाई प्लॉट मॉड्यूल को p.plot डॉट प्लॉट और सबसे पहले हमने x एक्सिस के लिए डेटा दे दिया जो कि है ईयर और y एक्सिस के लिए दे दिया जो है रेट इसमें हमने बाकी पैरामीटर्स को पास नहीं किया है केवल x और y एक्सिस को पास किया है जब हमने प्लॉट के लिए डेटा पास कर दिया देन वी हैव टू राइट पी डॉट शो जब तक आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे आपका ये फिगर शो नहीं होगा जब आप इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम को आप जब रन करेंगे पाइथन आइडियली में स्क्रिप्ट फोल्ड स्क्रिप्ट में तब ये जो है आपका आउटपुट के फॉर्म में आपको फिगर दिखाई देगा लेकिन इस फिगर में आपको कुछ इनकम्प्लीट दिख रहा होगा क्या इनकम्प्लीट है आप यदि इस कोडिंग को देखेंगे तो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारे ईयर्स हैं ये हमारे रेट है लेकिन यदि केवल इस फिगर को हम देखें तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है नीचे किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ऊपर किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो हम क्या देना चाहेंगे यहाँ पर एक्स लेबल और वाई लेबल हम यहां चाहते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट हो रही है और यहां भी लिखा हुआ है कि यहां पर क्या चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ठीक आप देख सकते हैं कि हमने लाइन के लिए कलर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लू कलर लेता है ना एक्स लेबल और वाई लेबल हम कैसे देंगे एक्स लेबल और वाई लेबल का सेंटेक्स बिल्कुल सेम है सिर्फ यहां पर हमें एक्स और वाई को चेंज करना है एक्स लेबल ब्रैकेट में हम लेबल लेबल वो लेबल हम डिफाइन करेंगे जो कि हम चार्ट में एज एक्स लेबल डिस्प्ले करना चाहते हैं देन ये पार्ट ऑप्शनल है हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है दैट मीन्स ऑप्शनल पार्ट है फॉन्ट डिक्ट इक्वल टू नन फ़ॉन्ट डिक्ट ये बताता है कि फॉन्ट की डिक्शनरी कौन सी है और कलर ये बताएगा कि ये किस कलर में एक्स लेबल को लिखना है तो फॉन्ट डिक्शनरी के बारे में बात करते हैं फॉन्ट डिक्शनरी में आप डिक्शनरी के थ्रू बता सकते हैं कि फॉर्म की फैमिली कौन सी लेनी है साइज कौन सी लेनी है या कलर कौन सा लेना ये सब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और उस डायरेक्ट को जब डिक्शनरी को जब पास करेंगे तो वो उस डिक्शनरी के एलिमेंट के हिसाब से एक्स लेवल को चेंज कर देगा इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं आगे और यदि आप डिक्शनरी फॉर्म डिक्शनरी नहीं देना चाहते हैं डायरेक्ट कलर भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं लेबल के लिए तो आप डायरेक्ट भी कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं देखते हैं इसे कैसे यूज करेंगे देखिए ये तो हमारी सेम कोडिंग है लास्ट एग्जाम्पल की तरह लेकिन हमने यहां पर प्लॉट करने के पहले दो स्टेटमेंट और लिखे पी डॉट एक्स लेबल और हमने क्या दिया हुआ है लेबल इयर ऑफ प्रोडक्शन और वाई लेबल में हमने लिखा रेट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट आया है वो किस फॉर्म में आया है ईयर ऑफ प्रोडक्शन नीचे लिखा हुआ आ गया दैट इज एक्स लेबल और रेट ऑफ प्रोडक्शन वाई एक्सिस पे लिखा हुआ आ गया दैट इज वाई लेबल ठीक इसमें हमने ना तो कोई कलर चेंज किया है लेबल्स का ना यहाँ पर टाइटल दिया है हमने टाइटल भी नहीं दिया है तो हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं और प्रेजेंटेबल फॉर्म में देखते हैं हम चलते हैं आइडियली देखिए ये हमारी कोडिंग है आइडियली पे हमने एक प्रोग्राम लिख रखा है यहाँ से आप देख सकते हैं ये लाइन हमने प्रीवियस प्रोग्राम में लिखी थी इम्पोर्ट माइ मैट प्लॉट लिप डॉट पाए प्लॉट एस पी और ये भी वही डेटा है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था लेकिन इसके पहले हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी बना रखी है फॉन्ट नाम की डिक्शनरी बनाई इसका आप नाम और भी कुछ रख सकते हैं हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया फैमिली में लेना है सेरिफ फॉन्ट कलर में लेना है ब्लू वेट में लेना है बोल्ड आप यहाँ पर नॉर्मल भी ले सकते हैं बोल्ड भी ले सकते हैं हम चाहते हैं कि जो फॉन्ट आए वो बोल्ड आए तो हमने बोल्ड स्पेसिफाई कर दिया और जो फॉन्ट का साइज है वो सिक्सटीन चाहते हैं तो हमने इसकी एक डिक्शनरी बना दी ठीक ये इयर और रेट का डेटा बिल्कुल सेम वही है जो प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था नाउ हमने एक्स लेबल जब डिफाइन किया तो ये जो फॉन्ट डिक्शनरी थी हमने इसे पास कर दिया ठीक है ये ध्यान रखिए हमने किसमें पास किया है एक्स लेबल में डिक्शनरी पास की है हमने वाई लेबल में पास नहीं किए वाई लेबल में हम केवल कलर को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वी नीड कलर रेड क्लियर जब ये हमने एक्स लेबल और वाई लेबल की प्रॉपर्टी सेट कर दी आफ्टर दैट हमने इसको प्लॉट किया प्लॉट में हमने एक्स एक्सिस के लिए वैल्यूज दे दी वाई एक्सिस के लिए वैल्यूज दे दी और सी सी मतलब कलर यहां पर हम कलर स्पेसिफाई कर रहे हैं वाई मीन्स येलो हम केवल फर्स्ट लेटर भी दे सकते हैं हमने लिखा है वाई यानी येलो एंड लाइन विथ को यूज़ किया है कि हम चाहते हैं जो लाइन ग्राफ बनेगा उसकी जो विथ है वो फाइव होनी चाहिए Clear. तो हमने किस तरह से किया है ऊपर एक्स लेबल के लिए कलर ब्लू किया हुआ है वाई लेबल के लिए रेड किया है और यह वाला जो येलो कलर है ये किसके लिए है लाइन के कलर के लिए तो इसको हम रन करा के देखते हैं देखिए यह हो गया इसका आउटपुट यह आप देख सकते हैं इस लाइन की विथ कितनी है फाइव विथ हो गई ये हमने केवल एक्स लेबल के लिए फॉर्म की डिक्शनरी सेट की थी तो इसमें हमने फॉर्म भी ज्यादा ले लिया था साइज बड़ा ले लिया था सैरिफ फ़ॉन्ट ले लिया था बोल्ड लिया था कलर ब्लू लिया था और जो वाई लेबल था उसमें हमने केवल कलर की प्रॉपर्टी सेट की थी बाकी फ़ॉन्ट साइज वगैरह चेंज नहीं किया था तो आप देख सकते हैं नॉर्मल फ़ॉन्ट में आ रहा है तो ये उस, वही कोडिंग हमने यहां दोबारा से लिख रखी है आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमने फैमिली सैरिफ कलर ब्लू वेट बोल्ड साइज 16 लिया था ये हमने एक्स लेबल में दिया था तो एक्स लेबल आप देख सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज के साथ है वाई लेबल में केवल कलर इक्वल टू रेड किया था और प्लॉट में हमने कलर वाई वाई मीन्स येलो था तो ये येलो में आ गया नाउ चेंजिंग लाइन स्टाइल एंड ग्राफ आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये लाइन किस तरीके से दिख रही है आपको येलो कलर की सिंपल से लाइन है इसमें स्ट्रेट लाइन है मींस कोई गैप नहीं है कोई पैटर्न नहीं है हम चाहें तो कोई पैटर्न बना सकते हैं पैटर्न देने के लिए हमें करना क्या है यहां देख सकते हैं पी डॉट प्लॉट एक्स वाई और यहां पर हमने दिए हैं डैश जब हमें डैश्ड लाइन प्रिंट करानी हो तो दो डैश हम एज स्ट्रिंग पास करेंगे इसी तरीके से डैश और डॉट की लाइन देनी है तो हम डैश डॉट इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो डैश डॉट डैश डॉट की लाइन ड्रॉ हो जाएगी देखते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए हमने सेम एग्जाम्पल लिया है ईयर स्पेसिफाई किया रेट किया है लेबल में हमने ईयर ले लिया और एक्स लेबल लिया है वाई लेबल हमने इसमें नहीं लिया हुआ प्लॉट करते समय हमने ईयर रेट के साथ में क्या पास कर दिया पैटर्न हमने लिखा डैश और डॉट का तो आप देख सकते हैं यहां पर फिगर में कि जो हुई है वो डैश डॉट की शो है। Now, कलर भी चेंज करना है तो हम इस फॉर्म में दे सकते हैं देखिए आप आर जो है आर बता रहा है कि वी नीड रेड कलर रेड आर मतलब रेड और डैश और डॉट हम एक साथ ही स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी फीचर्स हैं जिससे हम कुछ थोड़ी सी लाइन ऑफ कोड से सुंदर सुंदर फिगर बना पा रहे हैं नाउ ग्रिड ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको इस तरीके से ये ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं हैं ग्रिड सिंपल सा इसमें भी केवल ग्रिड फंक्शन का यूज करना है ये आप देख सकते हैं बाकी तो हम यूज कर चुके हैं हाँ साथ में हमने टाइटल और यूज किया यहां पर पी डॉट टाइटल प्रोडक्शन बाय फैक्ट्री तो इसकी वजह से यहां पर एक टाइटल शो हो, हो रहा है टाइटल फंक्शन uh, में भी आप देख सकते हैं केवल पी डॉट टाइटल लिखा है और टाइटल दे दिया टाइटल डिस्प्ले हो गया कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी कोडिंग नहीं है या बहुत याद रखने वाली कोडिंग नहीं है सिंपल से जो काम आप कर रहे हैं वही उस फंक्शन का नाम है तो ग्रिड में आपको पास करना है ट्रू ट्रू का मतलब है कि आप ग्रिड चाहते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल्स में हमने ग्रिड को मैंशन नहीं किया था तो आप देख सकते थे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में ग्रिड नहीं आ रही थी लेकिन इस एग्जाम्पल में ग्रिड है क्योंकि हमने लिखा है पी डॉट ग्रिड इक्वल टू ट्रू साथ ही हमने एक और पैरामीटर पास किया है सी इक्वल टू जी सी मतलब कलर एंड डी मतलब ग्रीन तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रिड का कलर है दैट इज ग्रीन ये हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है क्लियर और जो प्लॉटिंग की है प्लॉटिंग हमने जो लाइन प्लॉट की है उसका कलर हमने लिखा है बी दैट मीन्स ब्लू तो इस वजह से ये ब्लू लाइन आ रही है यदि हम नहीं चाहते कि जो ग्रिड का कलर है वो ग्रीन आए हम इसको स्किप कर सकते हैं हम केवल लिख सकते हैं पी डॉट ग्रिड ट्रू यदि हम ऐसा लिखते हैं तो हमारा ये वाला चार्ट आएगा देख सकते हैं आप इसमें ग्रिड किस कलर की है लाइट ग्रे कलर की आ रही है बाय डिफॉल्ट लाइट ग्रे कलर की ग्रिड आएंगी और तो यहां पर हमने ग्रिड का कलर चेंज किया हुआ है एक और एग्जाम्पल है ये जो रेड कलर से हमने लाइन लिखी हुई है केवल आप इस पर फोकस करेंगे हम यहां पर कितने पैरामीटर देते हैं देखिए प्लॉट करते समय पहला एक्स एक्सिस, के एक्सिस का डेटा ये आपको समझ आ गया होगा सी इक्वल टू जी मीन्स हमने कलर स्पेसिफाई किया है कलर इक्वल टू ग्रीन नाउ मार्कर इक्वल टू ओ मार्कर का अर्थ है अभी हम जो भी लाइन ग्राफ बना रहे हैं आप देखेंगे ये लाइन सीधी स्ट्रेट आ रही है ग्रिड में तो फिर भी हमें दिख रहा है कि पॉइंट्स हमारे कहाँ हो रहे हैं इसके जो प्रीवियस एग्जाम्पल था इसमें हम देख सकते हैं कि हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा डेटा कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ से पॉइंट मार्क ज्वाइंट हुए हैं मीन्स ये ट्वेंटी वन कहाँ आया ट्वेंटी कहाँ आया ये मार्क हमें नहीं दिख रहा है जबकि मार्कर यदि हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि लाइन कहाँ कहाँ से ज्वाइन की गई तो मार्कर जो है हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें इसका शेप कैसा चाहिए ओ मीन्स सर्कल के लिए हमें ओ स्पेसिफाई करना होगा डायमंड शेप के लिए डी स्पेसिफाई करना होगा देन नेक्स्ट पैरामीटर इज मार्कर एज कलर मार्कर एज कलर मतलब जैसे आपने यहाँ पर ओ लिया है मतलब सर्कल के लिए सर्कल का जो एज है जो ये कॉर्नर है बॉर्डर है उसका कलर हमें रेड चाहिए ठीक मार्कर साइज यानी ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ है इसका साइज हमें टेन चाहिए लाइन स्टाइल भी हमने दे दी दैट इज डैश डॉट आप लाइन स्टाइल को पूरा लाइन स्टाइल लिखने की जगह एल एस इक्वल टू डैश डॉट भी लिख सकते हैं ये भी वैलिड है तो इसका देखते हैं आउटपुट कैसे आएगा देखिए ये आपका आउटपुट है यहां पर मार्कर आप देख सकते हैं कि मार्कर आ गए हैं ये मार्कर है आपके जो सर्कल के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके आसपास की बाउंड्री आप देख सकते हैं किस कलर की है रेड कलर की ये किस वजह से आई है जो आपने लिखा हुआ है मार्कर एच कलर वो आपने रेड दिया हुआ था इसलिए रेड में आ गया है हमने बाकी ये जो कलर है ग्राफ का वो सिलेक्ट किया था जी मतलब ग्रीन इसलिए जो लाइन का कलर है वो ग्रीन आया है तो आप इससे बिल्कुल एग्री कर रहे होंगे कि बहुत ही इजी मेथड से हम डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं यहाँ हालांकि आज हमने लाइन ग्राफ ही सीखा है लेकिन लाइन ग्राफ में भी कितने सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा कि इजी तरीके से हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं अपने ग्राफ में तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे